कश्मीर बीजेपी कारकुनों ने कहा सबसे बड़ा दहशतगर्द वसीम रिजवी। एहतजाजी लीडरों ने किया वसीम रिजवी को फांसी पर चढ़ाने का मुतालबा। खुद बीजेपी का वसीम रिजवी के खिलाफ एहतजाज। नाजरीन, अगर आप भी वसीम रिजवी के खिलाफ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलें। दरअसल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कश्मीर यूनिट ने आज सुबह प्रेस कॉलोनी में उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के तौहीन कुरान इकदाम के खिलाफ एहतजाज किया। बीजेपी के एहतजाज लीडरान व कारकुन ने वसीम रिजवी को फांसी पर चढ़ाने का मुतालबा किया और ये लोग ये नारा दे रहे थे, वसीम रिजवी को फांसी दो, इस जैसे नारे लगा रहे थे। बीजेपी कश्मीर यूनिट के सीनियर लीडर डॉक्टर आली मोहम्मद मीर ने उस मौके पर नामा निगारों से गुफ्तगू में कहा कि हम ये एहतजाज वसीम रिजवी के खिलाफ कर रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि ऐसे आदमी को फांसी दे देनी चाहिए, ऐसे लोग आपसी भाईचारे को शर्मसार करना चाहते हैं। इनका मजीद कहना था कि कुरान पाक इंसाफ और इंसानियत का दर्स देता है। सबसे बड़ा दहशतगर्द वसीम रिजवी है जिसने इंसानियत को लहूलुहान किया है। उसने कुरान पाक पढ़ा नहीं, यही वजह है कि वह शैतान जैसी बातें करता है।